गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी कैसे हैं? एकदम स्वस्थ और सुरक्षित है ना? दीपावली की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है, साफ सफाई और पकवान। आज ना मैंने सुबह सुबह अपना फेवरेट नाश्ता किया। क्या है मेरा फेवरेट नाश्ता पता है? बासी रोटी जो बच जाती हैं उन्हें मैं ग्राइंडर जार में ऐसे बारीक कर लेती हूँ, और दो तीन रोटियां कई बार ऐसे होता है ना कि बच गई है कैसरोल में, एकदम फाइन हो जाता है। मिक्सर ग्राइंडर में ऐसे टुकड़े डाला, कढ़ाई में तेल गरम हुआ, थोड़े से मैंने शेंगदाने भून करके फ्राई किया, और फ्राई करने के बाद निकाल लिया। शुभी की मुझे बहुत याद आई, क्योंकि जब भी मैं ये रोटी का चूरमा बनाती थी ना, तो मैं और शुभी हम दोनों खाते थे। और तेल गरम होते ही राई, करी पत्ता, हरी मिर्ची, प्याज, ये सारी चीज़ें डाल करके भून लिया, जैसे हम लोग पोहे के लिए करते हैं। शुभम को इतना कुछ पसंद नहीं है, ये वाले काम मैं और शुभी किया करते थे अक्सर। तो सुबह जो नाश्ता बना वो इन तीनों ने खाया, अम्मा, शुभम और हस्बैंड ने, लेकिन मैंने अपने लिए बनाया ये। और ये जैसे ही प्याज फ्राई हो गई ना, इसमें हल्दी पाउडर डाला, और ये जो चूरमा बनाया इसे ऐसे कढ़ाई में डाल करके भून लिया। तो सब्जी पराठा तो रोज़ ही बनता है जैसा कि आज बना, लेकिन चूरमा खाने में बहुत मज़ा आता है, थोड़ा अलग सा लगने लगता है। और नमक डाला है और चीनी डाला है, चीनी से हल्का सा मीठापन रहता है, नमक तो स्वाद के अनुसार डालना है। तो जैसे पोहे बनाते हैं ना हम लोग, सेम वैसा ही है। या फिर सूजी का उपमा जैसे बनाते हैं, वो भी आप समझ सकते हैं। एकदम बारीक बना लो और फिर इसे कुछ मिनट के लिए ऐसे कढ़ाई पे भून लो। तेल या घी जो भी आपकी चॉइस है वो डाल लें, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, कम घी देने बन जाता है। और जैसे ही अच्छे से फ्राई हो जाए, बस धनिया पत्ता डाला और ऊपर से डाला ये करारे करारे शेंगदाने। और भी टेस्टी करना है तो थोड़ा सा नींबू का जूस डाल दिया, लेमन जूस डाल दिया, और नींबू निचोड़ने के बाद ये तैयार हो गया हमारा रोटी का चूरमा वाला पोहा। मतलब बहुत मज़ा आता है चाय के साथ सुबह सुबह, और तब जब आप बिल्कुल थके आ रहे, अलसी आए हो बिल्कुल हाथ पैर चल नहीं रहे हैं, बैठ रहे हैं और कुछ काम ना करना पड़े, तो ये बड़ा ही जल्दी बन जाता है। ऊपर से सेव भुजिया डाल लो और बस, फिर कुछ नहीं चाहिए, चाय तो ज़रूर चाहिए। और ये गर्मा गर्म रोटी का चूरमा, इसको खान बासी रोटी खाने के बाद जो मज़ा आता है ना, वो वही जान सकता है जो लोग कभी कभी बासी रोटी खाते हैं, मतलब ऐसा लेफ्ट ओवर वाला जो। और बस क्या बताऊँ, शुभी को याद कर रही थी मैं, और उस दिन मैंने सेव बनवाए थे। तो जब ये नाश्ता मैंने खा लिया, फिर घर के पूरी साफ सफाई किया, नहाया धोया, सुबह खाना बनी क्या था, हस्बैंड के लिए जो पराठा सब्जी बना था वही अम्मा और शुभम ने खाया, और फिर मैं नहा धो के तैयार हुई, फिर नीचे पहुंची और ये सेव बने हुए मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इन्होंने पूरी कॉलोनी भर के सबके सेव, पापड़ी, चूड़ा और शक्करपारी वगैरह सब बनाए, तो मैंने आपको दिखाया। सच में बहुत अच्छी चीज़ है, देखो मेहनत कर रहा उन्होंने सारा दिन, गैस हांडी उनकी ही थी और उनका पूरा लेबर उन्होंने किया, और मेकिंग चार्ज ओनली 80 रुपीज़। तो सेव बनवा के मैं ऊपर आ गई, फिर वही रोज वाले काम चलते ही रहे। ये था कि शूटिंग मैं रात की करूंगी, डिनर वाली। आज डिनर करने में थोड़ा टाइम हो गया, शुरू करने में हमेशा मैं 6 बजे से शुरू करती हूँ, लेकिन अभी 6:30 हो रहे हैं। ये तांदुड़जा मैंने पहली बार देखा है, पहली बार नाम सुना है, पहली बार मैं नाम को बोल रही हूँ, तांदुड़जा। तांदुड़ तो मैंने सुना था महाराष्ट्र में चावल को कहते हैं इसकी सब्जी बनती है, टेस्टी होती है और हेल्दी होती है, ऐसा भी सुना है मैंने। आज फर्स्ट टाइम मैं इसको बनाने वाली हूँ, और इसकी सूखी सब्जी बनती है, जैसे मेथी के साग होते हैं मेथी की सब्जी बनती है वैसा ही है। तो इसके पत्ते पत्ते निकालने हैं, चुन लूंगी मैं भी, इसके बाद इसकी सब्जी बनेगी। अब चूंकि सूखी सब्जी है तो मैं साथ में दाल बना रही हूँ, और सुबह दाल नहीं बनी थी घर में, इसलिए ये भी हो जाएगा। तो दाल, रोटी और ये इसकी सूखी सब्जी बनाएंगे। तो शुरू करती हूँ मैं, इसको कैसे बनाते हैं। आज हमारे यूट्यूब के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के साथ ऐसी जूम मीटिंग थी, तो 4 बजे का टाइम था, वो 4 से 6 बीत गए, पता ही नहीं चला 2 घंटा, इसीलिए अब 6 बजे के बाद ही वो खत्म हुआ, 6:30 हो रहे हैं। तो अब मैं शूटिंग शुरू कर रही थी रात की। तो ये मैंने दाल धो के रखा कुकर में, बॉटल्स वगैरह सब भर के रखी, जैसे ही कमरे से बाहर आई शूटिंग से, सब बर्तन बर्तन धो के रखे, फिर शूटिंग फटाफट शुरू करी। हल्दी, नमक और टमाटर डाल करके यहाँ मैंने दाल को पहले चढ़ाने रखा,
आज मैंने दाल को भिगो के रखा भी नहीं, डायरेक्टली चढ़ाया, क्योंकि टाइम मतलब मैं अभी किचन में आई ना काम की शुरुआत के लिए ही, तो काम में पता ही नहीं चलता समय अकेले। और ये जो पत्ते हैं इनको मैं चुन रही हूँ, पत्ते पत्ते निकाल के, बहुत छोटे छोटे पत्ते थे, टाइम लगा मुझे, जैसे मेथी में होता ना एक एक पत्ते चुनना, बैठ गई मैं यहाँ पर और पत्ते पूरे चुनने लगी। तो सूखी सब्जी बनाएंगे, दाल फ्राई बना लेंगे, और चावल दोपहर का रखा है तो रोटी रहेंगी बस, केवल ऐसा रहेगा। तो ये मैंने पत्ते पत्ते चुन लिए, लहसुन प्याज हरी मिर्ची काटी हैं, और लंच में बनाया था ना सब्जी चावल, तो चावल रखा हुआ है, और सुबह पराठे सेके थे, फिर दोपहर में रोटियां थी दाल के उसके साथ सब्जी के साथ। और ये लहसुन का मैंने तड़का लगाया है, जीरा लहसुन डाला है कढ़ाई में, और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और बारीक कटी हुई प्याज। पता है ये सब्जी बहुत अच्छी लगी। शुभम तो आलू मेथी की सब्जी नहीं खाता, मेथी सूखी नहीं खाता, लेकिन ये सब्जी उसने बहुत अच्छे से खाया, और सच में बहुत ही मतलब एक अलग सा स्वाद लगा, नरम नरम सब जो पत्ता था उसका, जो एक जैसे साग होते हैं ऐसा सॉफ्ट सा, बहुत अच्छा और सिंपल और टेस्टी सब्जी लगी हमको खाने में। और जैसे ही प्याज फ्राई हो गई तो हमने हल्दी पाउडर डाला, नमक डाला और कोई मसाले नहीं डाले। ऐसे देखो तो लहसुन जीरा का तड़का था, हरी मिर्ची और सिर्फ नमक और हल्दी डाली है, जैसे कि मेथी पालक सूखा बनाते हैं ना साग, वैसा ही। अब तो मैंने मतलब गुप्ता जी को बोल रखा है कि महाराष्ट्र में जो भी सब्जी जैसे ये लेने जाते हैं मार्केट में, कोई भी यहाँ की सब्जियाँ जो हमें नाम नहीं भी पता है, बस आप ले आया करो हरी सब्जियां कुछ भी देखें, मैं पूछ लूंगी अगल बगल। तो ये मैं पूछने गई थी, गुच्छा लेके गई, वहां बगल में दिखाया भाभी जी को, जो हमारे कमरे के बगल में फ्लैट है, भाभी इसको क्या कहते हैं और कैसे बनाते हैं तभी पूछ के आई थी और बना डाला, क्योंकि मतलब पता ही नहीं चलता ना गिनती की सब्जियां जो हम लोग खा रहे हैं हमें वही पता है, और यहाँ पे अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग सब्जियां होती हैं, स्टेट वाइज थोड़ा कुछ चेंज रहता है, तो हमको उनके बारे में पता ही नहीं। और जब मार्केट में मिलती हैं तो आएंगी घर में तभी बनेंगी। और यहाँ मैंने दूध बॉईल किया क्योंकि फटाफट से दूध उबालने रखा था, और ये सब्जी भून के अच्छे से तैयार हो गई। मैंने इसको निकाल लिया, कढ़ाई धुल के रखी, फिर पोछी, फिर रखा, और लहसुन जीरा हींग लाल मिर्ची प्याज का तड़का लगाया, खूब अच्छे से फ्राई कर लिया। और ये कढ़ाई अभी नई नई उस दिन मतलब दिखाई थी ना मैंने, जब किचन के बर्तन दिखाए थे कुकवेयर कलेक्शन, तो अभी दिख गई जापान की कढ़ाई, तो अब इसी को रख दिया मैंने आज। लाल मिर्ची पाउडर डाला, और यहाँ दाल पक चुकी थी, दाल में मैंने टमाटर उबालते वक्त डाल दिया था, गल गया अच्छे से, और ये दाल मैंने डाल दी। आज की दाल का टेस्ट बहुत अच्छा लगा, तारीफ हुई खाते वक्त, तो मुझे मैं चुपचाप थी, मतलब आज जो मैंने डायरेक्टली दाल उबालने रखी ना, मुझे लगता है इसका भी कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, जो हम लोग दाल भिगो के रख देते हैं कि जल्दी से गल जाएगी 10-15 मिनट पहले, तो फूल जाती है, पता नहीं क्या सोंधापन था दाल में, कुछ अलग सा स्वाद। चावल दोपहर के रखे हुए थे और चटनी बनाई थी मैंने दिन में, वो चटनी भी रखी हुई है। अभी मैंने सिर्फ सब्जी बनाई है और दाल बनाई है, चटनी फ्रिज से निकाल के लाई हूँ क्योंकि मैंने बनाई थी दोपहर में, और वो चावल निकाल के रखे साइड में, सामने रख लिए, कई बार भूल जाती हूँ ना मैं, और दूध सामने उबल ही चुका था, बस रोटी बन रही है। गुप्ता जी विंडो में दिखाई दे रहे हैं, पहले भी दिख चुके थे, दो क्लिप डिलीट करवाई उन्होंने मेरे से फिर बाद में माने, तो फिर अब ये झालर लग रही है बालकनी में, लास्ट ईयर दीपावली में भी लगाई थी हमने, तो मैंने कहा चलो अभी से एक काम निपटते जाए, तो झालर ढूंढने में 3-4 दिन लगे। शुभम अपना यहाँ कलाकारी में था, वो जो मैंने एक दिन दिखाया था ना लाइटिंग्स का, वो डेमो किया था, वो एक है इसमें स्टार ऐसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स लग करके फिर वो ऐसे वॉल पे रिफ्लेक्शन देता है, वो कर रहा था ये काम बेचारा, एक हाथ से वो भी हेल्प करने में लगा, मम्मी ये जला दूँ, मम्मी वो जला दूँ, मैंने कहा अच्छा ठीक है तुम भी कुछ हाथ बटा लो। पापा तो झालर जो ढूंढ रहे थे, 3-4 दिन से झालर ही ढूंढी जा रही है, मिल ही नहीं रही थी, तो शुभी को मैंने बताया, तो शुभी हंसने लगी, कहती मम्मी अगली बार इस बार जहाँ पर भी झालर रखी जाएगी ये बात आप वीडियो में बोल लेना ताकि उस वीडियो को आप सुन लेना अगले साल कि हमने झालर कहाँ रखी है। इतनी हंसी आई, हम दोनों हंसे पड़े थे, मतलब हर बार ऐसा होता है, अच्छे से याद करके झालर मैंने रखवाई थी जहाँ पर्दे लगे हैं सामने पूजा वाले कमरे में, ऊपर पट्टी में रखवाया था डब्बा, ठीक है, अब वो डब्बा कब गुप्ता जी ने यहाँ से वहाँ खिसका दिया, अब वो हम 3-4 दिन से ढूंढ रहे हैं। अब डब्बा तो यहीं रखा था, मुझे वही पता था कि दरवाजे के ऊपर रखा है, और मैं बार बार कह रही हूँ दरवाजे के ऊपर रखा था पिछले साल,
एक ही डब्बे में सारी झालर वगैरह निकली रखी हैं और वो झालर ही ना मिले, और वो मिली कहीं दूसरे जगह पे। तो फिर शुभी को पूरा कांड सुनाया, तो शुभी कहती है आप वीडियो में बोलना इस बार जब आप झालर रखेंगी अगली बार आप वही वीडियो सुन लेना, फिर वहीं पे मिलेगी वो झालर। हंसी आ रही थी। और फिर यहाँ पर फूलों की लड़ी लगाई गई है, ये जितनी भी मैं लाई थी ना लास्ट ईयर लिए थे हमने ये गेंदे की झड़ियाँ और लड़ियाँ, और इस बार भी लिए मैंने कलरफुल, वो हम फ्रंट बालकनी में लगाएंगे। वहाँ पर लैंटर्न भी लगवाई है, यहाँ पर ये वाली झालर लगी है, एक झालर सामने बालकनी में भी लगेगी। तो इस तरह के काम ये लोग कर रहे थे। यहाँ मेरी रोटियाँ भी सिक गई, घी लगा के मैंने रख दिया, बर्तन धुल गए, फिर मैंने आवाज़ दी कि भाई खाना रेडी है ना, थाली लगाई, चावल गरम किए मैंने, दोपहर के चावल थे मैंने गरम किया, माइक्रोवेव में बाउल में रख के गरम कर लेती हूँ मैं, और सब्जी दाल रोटी और चटनी थाली पर उसी, तीनों को खाना दिया। शुभ हमको टुकड़े करके देती हूँ, थाली लगा के वहीं दीवान में खा लेता है, और यहाँ अम्मा और बैठे हूँ, और इन लोग का खाना वाना हुआ, परोस रही थी मैं गरम गरम दाल, खाने में अच्छी लगती है विंटर सीजन में, मतलब वही है गरम खाने का, चाहे कैसा भी सादा सिंपल हो गरम खाना सबको पसंद रहता है और हल्का और स्वाददार। बस अब यहाँ पर मैंने बर्तन बर्तन धो के रखे, फिर हमेशा की तरह मैं अपनी थाली लगा के बैठी। शुभी का दो बार फ़ोन बज चुका था, एक तो जूम में जब थी तब भी उसके मैसेजेस आ रहे थे, फिर मैंने सोचा था कि अब फ्री हो जाऊँ फिर बात करती हूँ, फिर उसके साथ बातचीत होती है। वो भी बहुत खुश थी क्योंकि इस बार जिन्होंने टॉप किया था ना IIT, उनको बुलाया गया था उनके इंस्टीट्यूट में, तो वो बहुत एक्साइटेड थी सब बातें बताने के लिए। तो फिर बहुत अच्छा लगा उससे बात करके, सुन के बच्चे कितना मोटिवेट होते हैं ना ये सब चीज़ें देख।